हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीके एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा आज का जो वीडियो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने हमारा लाइव रिप्रोडक्शन का पिछला वीडियो देखा ही होगा, जिसमें एक महिला ने कॉल किया था जिसके पति का नसबंदी का ऑपरेशन कराना था। अगर आप लोगों ने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि आपने रिप्रोडक्शन का ऐसा लाइव वीडियो इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। आज हमारा वो पेशेंट आ चुका है जिसका नसबंदी का ऑपरेशन करना है, तो मैंने सोचा कि जब ऑपरेशन करना ही है तो क्यों ना आपको भी लाइव दिखा दिया जाए कि नसबंदी का ऑपरेशन कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं ऑपरेशन थिएटर की ओर। अगर आपको सच बताऊं तो ये पेशेंट आया नहीं, लाया गया है, क्योंकि ये भाई साहब आने को तैयार ही नहीं थे और बोल रहे थे कि नसबंदी से उनकी मर्दानगी पर असर होगा, जबकि ऑलरेडी इनके 4 बच्चे हैं। खैर, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि असली मर्दानगी अपने परिवार नियोजन की जिम्मेदारी लेने में है, ना कि बच्चे पैदा करने में। मैं एज अ डॉक्टर ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। एक तो ऐसे ही जनसंख्या बढ़ रही है और इनको मर्दानगी दिखाने की पड़ी है, फिर क्या था। फिर मैंने खुद कुछ लोगों को उसके पास भेजा और उसे जबरदस्ती लाने को बोला। लो, हम पहुंच भी गए। इससे पहले कि हम ऑपरेशन शुरू करें, उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर नसबंदी किया क्यों जाता है। देखिए दोस्तों, नसबंदी गर्भ निरोधक की एक स्थायी प्रक्रिया है, जिसमें पुरुष के वृषण से आने वाले शुक्राणुओं को रोकने के लिए वाज डिफरेंस को काट दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं और गर्भधारण की क्रिया नहीं हो पाती है। तो चलिए अब ऑपरेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंडकोश के आसपास के क्षेत्र को शून्य करने के लिए स्थानीय एनेस्थीसिया का प्रयोग करेंगे। अब एनेस्थीसिया के प्रभावी होने के बाद वाज डिफरेंस तक पहुंचने के लिए अंडकोश में एक चीरा लगाएंगे। अब हमको वाज डिफरेंस नलिका को ठोड़ना है, जो वृषण को लिंग से जोड़ता है, क्योंकि शुक्राणु इसी नलिका से होते हुए लिंग तक पहुँचता है। अब हम इस नलिका को बाहर निकाल लेंगे और इसका एक छोटा टुकड़ा काट कर अलग कर देंगे। अब दोनों सिरों को या तो बांध देंगे या सर्जिकल स्टेपल का प्रयोग करके उसे बंद कर देंगे। अब बारी है इस चीरे को बंद करने की। इसके लिए हम या तो टाके लगा सकते हैं या फिर गोंद या सर्जिकल स्टेपल का प्रयोग कर सकते हैं। अब यही सेम प्रक्रिया को करके दूसरे वृषण के वाज डिफरेंस नलिका को भी बंद कर देंगे। इसके बाद ऑपरेशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑपरेशन होने के बाद भी अगर आप कुछ करने की सोचते हैं तो आपको कुछ दिनों तक वैकल्पिक जन्म नियंत्रण विधियों जैसे कॉन्डम का प्रयोग करना ही पड़ेगा। क्या आपको पता है कि पुरुष कॉन्डम के अलावा और किस चीज़ों का प्रयोग कर सकता है? अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आप सोचोगे कि ऑपरेशन होने के बाद भी इसकी क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको बता दूँ, नलिकाओं में बचे हुए शुक्राणुओं को साफ होने में कुछ महीने या कुछ स्खलन लग सकता है। इस बात की पुष्टि के लिए कि स्पर्म में शुक्राणु है या नहीं है, इसके लिए स्पर्म का अनुवर्ती परीक्षण कराना जरूरी है। परीक्षण होने के बाद आप इन चीज़ों को साइड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको भी अपने पसंद के किसी टॉपिक को इसी तरह से समझना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।